मेरे प्राणों को हले सुन ले, हर वक्त मैं परेशान रहता हूँ। हनुमान जी को दुष्ट रावण पंचवटी से हर कर ले गया।
पानी को आना इतना आसान नहीं है, पानी को ब्रह्मा जी का वरदान है, जो भी इसके सामने आएगा और अमल में आ जाएगा। महाराज आप अपनी भी तो सुनाइए। अच्छा, अगर यह बात है तो फिर तो हमें पानी को छिपकर ही महाराज मैंने भी एक भगवान ने उस दुष्ट रावण को माता सीता को मिलाप करते हुए देखा था और माता ने कुछ कहने भी लोग के नीचे देख रहे थे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, दिखाइए मेरी जी, आगे दिखाइए। सिर झुकाता था सदा उनके चरणों में नाच में, फिर मुझको क्या पता क्या उनके कान में क्या नाक में। धन्यवाद जान बचाई। आज सब मालूम पड़ जाएगा एक बुद्धि है और कमी ना है और कौन जान बचाकर भाग ले रहा है। कहर मैं अभी आता हूँ, तेरा झगड़ा सुबह के लिए मिटाता हूँ। बच निकल पागा था छल कपट और गात से, आज नहीं बच पाएगा तू Thank you.
तुम राम, तुम
मिलने को करो नीति को कहने के लिए उतार दिया है और मुझसे इसलिए किया है सुप्रीम को मित्र जानकर मुझे शत्रु क्यों बनाया है। सामने आकर मारा होता मैं तो धर्महीन था तुमने तो धर्म विचारा होता। अरे भाई तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो कोई तुम्हारे समक्ष आएगा उसका आधा बल तुम्हें चला जाएगा इसलिए उसका तोड़ना भी तो पाप था। सामने तुम पर असर होता नहीं था पाषाण का इसलिए छिप कर किया बार हमने तुम पर बाण का। स्वीकार कीजिए भाई इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है यदि कोई मनोकामना हो तो अवश्य कहो। एक अभिलाषा है प्रभु मेरा पुत्र अंगद जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान है और इस समय नादान है आप उसे अपनी शरण में ले लीजिए। पिताजी ये आपको क्या हो गया आपके बिना हमारा इस दुनिया में कौन है। नहीं बेटा मैं जा रहा हूँ किंतु ध्यान रखना तुम्हारे भाई बंधु सखा सब श्री राम है जाके उन्हीं की शरण लो बेटा।